सो हेलो एवरीवन ये आज के दिन का पहला ही वीडियो है एंड आप सबको पता ही होगा हमारे पहला वीडियो जो होता है हमारे दिन का वो न्यूज़ के ही ऊपर होता है एंड उसके बाद जो है दूसरे दूसरे वीडियोज़ या अलग अलग वीडियोज़ आते हैं सो so, आज आपको पता ही आज फ्राइडे है एंड आज मार्केट आ, मतलब इस वीक का लास्ट मार्केट है इसके बाद फिर मिलेंगे हम वैसे तो कल ही मिलेंगे लेकिन आ, मतलब क्वार्टर फोर का एनालिसिस होगा आज के दिन बहुत कुछ होने वाला है तो इसीलिए आप जो है इस सब्सक्राइब करके रख लो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे रिजल्ट आने वाले हैं एंड खास करके इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है वही रिलायंस जो आप सोच रहे हो उसी रिलायंस का रिजल्ट आज आने वाला है तो उसके बारे में भी डेफ़िनेटली बात करेंगे सो so, बाकी इन वीडियोस को देखना चाहते हो तो आई बटन पे आपको जो है आई बटन पे कुछ लिंक्स मिल रहे होंगे वहां से जा करके आप देख सकते हो या फिर आप वीडियो के एंड स्क्रीन में जाना तो वहां से भी आप जाकर के जो है कार्ड्स पे क्लिक करके देख सकते हो सो so ये तो हो गए इंट्रोडक्शन वाली बात आगे बढ़ते हैं इनको गई मैं कवर करूंगा सारे को मैं कवर करूंगा सभी को बाकी मैं एक चीज बस बत बता दूं जो भी ए एस लिस्ट में होगा उन्हें मैं कवर नहीं करूंगा क्योंकि उन्हें कवर करना मतलब टाइम वेस्ट है क्योंकि ए एस लिस्ट में सेवी ने खुद बोल रखा है कि जो भी स्टॉक्स ए एस कोई भी स्टेजेस में होते हैं ए और जी लिस्ट में उनमें इन्वेस्ट जो है अपने मतलब बहुत ज्यादा रिसर्च करके ही करना तो थोड़ा थोड़ा सा जो है थोड़ा और टाइप का लगता है तो जो भी है आगे बढ़ते हैं सबसे 290 तो yes, फिनोलेक्स केबल्स, एक प्लांट जो है सेटअप करने वाला है टू नाइनटी करोड़ का प्लांट पुणे में वो सेटअप होने वाला है द प्लांट विद एन इनिशियल कैपेसिटी ऑफ हंड्रेड टन ऑफ प्री फॉर्म्स इज बींग सेटअप इन पुणे उट ऑफ इंटरनल यहाँ पे जो है डेट नहीं लिया जाएगा ऐसा कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो टू नाइनटी करोड़ है इसके लिए कोई डेट नहीं होगा इंटरनली जो भी चीजें होंगी वो मतलब अपने ही पैसे से होंगी एंड यहाँ पे देख सकते हो आ, यहाँ पे अगर आप देखोगे टू प्रोड्यूस ऑप्टिकल फाइवर प्रीफॉर्म्स एंड टू एक्सपैंडिटी टू एक्सपैंड ऑन इट्सिटी द प्लांट विद एन इनिशियल हमने पढ़ लिया एंड जो भी द कंस्ट्रक्शन विल कमेंस वंस नेसेसरी रेगुलेशन अप्रूवल्स कम इन वाइल्ड प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन इन फिफ्टीन मंथ्स फ्राम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट तो जो भी है अभी एक जो है कह सकते हो मीटिंग होगा एंड उसके बाद जो है कुछ रेगुलेटरी uh, अप्रूवल्स आएंगे एंड उसके बाद ये चीज़ स्टार्ट uh, होगी जिस दिन ये अप्रूवल्स आ जाएंगे उसके फिफ्टीन मंथ्स के अंदर अंदर जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा बाकी अगर आप चाहते हो तो यहाँ से और भी चीज़ें रीड कर सकते हो अगर आप चाहो तो आगे बढ़ते हैं अगला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में तो यस ये वाला जो पार्ट है जो अभी मैं बात करने वाला अगले दो, तीन मिनट में रिकॉर्ड सेवनटीन परसेंट ग्रोथ इन क्यू फोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब यहाँ पे जो है क्वार्टर मतलब फोर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सेवेंटीन परसेंट ग्रोथ दिखा सकता है सिंगल डिजिट राइज इन टॉप लाइन बॉटम लाइन Andlist विल वॉच आउट मोर क्लैरिटी ऑन सेवन सेवेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ इन्वेस्टमेंट इन द न्यू एनर्जी बिजनेस ग्रोथ इन रिटेल एडिशन एंड प्राइसिंग टू द टेलीकॉम बिजनेस तो जो भी है यहाँ पे मुकेश अम्बानी जी आप देख सकते हैं तो बाकी यहाँ पे देख सकते हो प्राइस अभी क्या चल रहा है तो मैं जो चीज़ बोल रहा था वो चीज़ ये है इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इज लाइकली टू रिपोर्ट डबल डिजिट ग्रोथ इन कंसोलीडेटेड अर्निंग बिफोर मतलब जो भी है फॉर डिसंबर मार्च क्वार्टर जिसको हम लोग क्वार्टर फोर कहते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो द कंपनी हैज़ द टेन पॉइंट थ्री फोर परसेंट वेटेज ऑन निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स तो येस कंपनी का जो है दस परसेंट वेटेज एंड निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इतना आने का एक्सपेक्टेशन है बाकी जो कि सेवनटीन परसेंट अप होगा एक साल ईयर है गो पीरियड से एज पर द एस्टीमेट्स जो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन होगा विल ग्रोथ इन सिंगल डिजिट बोर्ड सिक्वेंसली एंड ईयर ऑन ईयर मतलब सिकवेंसियली भी और ईयर ऑन ईयर भी सिंगल डिजिट ग्रोथ मिलेगा एंड यहाँ पर अगर हम बात करें कॉन्सोलीटेड रेवेन्यू की तो रेवेन्यू जो है वो टू पॉइंट टू सिक्स लाख करोड़ एंड नेट प्रॉफिट जो है सिक्सटी फाइव सेवेंटी थ्री करोड़ का मिलेगा तो यहाँ पे ये जो है ये एक एजमशन से आप कह लो या फिर एक्सपेक्टेशन है ये मार्केट का बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें जो है आप रीड कर सकते हो अगर आप चाहो तो और मैं तो बोलूँगा आप इस 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 वाले पार्ट को आप रख लो यहाँ पे देख सकते हो सोर्स क्या है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ मोतीलाल ओसवाल रिसर्च जेफरीज आईसीआईसीआई सिक्योरिटी और सी तो यहाँ पे जो है इसको आप नोट डाउन करके रख लेना या फिर स्क्रीन ले लेना कि इसका जो है प्रीव्यू कैसा होने वाला है मतलब एस्टीमेट्स क्या लगाया हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हो 2.26 लाख करोड़ का रेवेन्यू आएगा जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतना परसेंट अप होना चाहिए एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इतना होना चाहिए एबिटा जो है ये होगा एंड नेट प्रॉफिट जो है ये होगा तो इन सब चीजों को थोड़ा लिख करके रख लेना अगर एक्सपेक्टेशन बीट नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं हमें कल का मार्केट जो है गिरता हुआ दिख सकता है क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट ऑब्वियसली सॉरी ऑब्बियसली यहाँ पे जो है पिछले साल के कम्पेरिजन में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इंक्रीज होना है लेकिन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इंक्रीज होने के साथ अगर वो एस्टिमेट को बीट नहीं करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट उसे एक नॉर्मल सा रिजल्ट कहता है कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कहता है तो आगे बढ़ते हैं अगला न्यूज़ है टी टी के हेल्थ केयर की तरफ से तो यहाँ पे टी टी के फॉल्स फोर परसेंट एज बोर्ड अप्रूव्स वॉलेंटरी डी ऑफ शेयर्स तो यहाँ पे uh, कुछ शेयर्स के uh, थोड़ी देर के लिए वॉलेंटरीली मतलब कुछ टाइम के लिए डीलिस्टिंग हो रही है एंड इसके वजह से थोड़ा सा आप कह सकते हो निराश है इन्वेस्टर्स ऐसा कुछ आप कह सकते हो बाकी यहाँ पे देख सकते हो शेयर्स ऑफ टी टी के हेल्थ केयर फेलोवर फोर परसेंट कंपनी बोर्ड अप्रूव्ड इक्विटी शेयर्स का डीलिस्टिंग जो भी है तो सिंस फ्लोर प्राइस फॉर डीलिस्टिंग वाज फिक्स्ड फिक्सड इतना पर शेयर रिफ्लेक्टेड डिस्काउंट ऑफ अराउंड ट्वेंटी परसेंट फ्रॉम द स्टॉक क्लोजिंग प्राइस ऑन वेंसडे इट डेंटेड इन्वेस्टर सेंटीमेंट तो यस वही जो है इन्वेस्टर का सेंटीमेंट जो है थोड़ा सा हर्ट हुआ है एंड इसके वजह से जो है इन्वेस्टर ने दो बज के सात मिनट पे मतलब ये आ, कल की बात हो रही है वेंसडे की बात हो रही है दो बज के सात मिनट पे जो है टी टी के हेल्थ केयर जो है आ, इतना परसेंट पे ट्रेड कर रहा था जो भी है बाकी आप चीजें यहाँ पे रीड कर सकते हो सो यस देखते हैं अब क्या होता है बाकी एक और न्यूज है जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट आपको कर सकती है बट न्यूज इज न्यूज आपको समझना होगा जे पी मॉर्गन की तरफ से अब जेपी मॉर्गन क्या है जेपी मॉर्गन वही है जो बाय और सेल रेटिंग देती है तो जेपी मॉर्गन हैज डाउनग्रेडेड टू आईटी प्लेयर्स दो आईटी प्लेयर्स को जेपी मॉर्गन ने डाउनग्रेड कर दिया है और क्यों डाउनग्रेड किया है तो देख सकते हो द ब्रोकरेज फर्म एट्रीब्यूटेड द रेटिंग कट टू साइंस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड वीकनेस इन बी एफ एस आई एंड टेलीकॉम वर्टिकल्स फॉर दिस आई टी कंपनी सो बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा इग्नोर करना वापस आते हैं टॉपिक पे तो यहाँ पे दो कंपनीज का नाम क्या है टी सी एस एंड इन्फोसिस ओके सो यहाँ पे देख सकते हो द मार्च क्वार्टर अर्निंग सेशन हैज़ बिन मिक्सड बैग फॉर द आई टी सेक्टर इंडस्ट्री लीडर्स टी सी एस एंड इन्फोसिस रिपोर्टेड वीकर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स तो जो भी है जैसे मैं कह ही रहा था थोड़ी देर पहले कि जो भी एक्सपेक्टेड नंबर्स होते हैं मान लेते हो कि uh, मान लेते हैं कि जस्ट सपोज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें ग्रोथ देखने मिला ठीक है बट लेकिन जो नंबर्स होते हैं जो एस्टिमेट्स होते हैं अगर वो ब्रेक नहीं होता है, तो मार्केट उसे नॉर्मल रिजल्ट या फिर थोड़ा सा वीक रिजल्ट ही कहता है तो यहाँ पे देख सकते हो आ, बट स्मॉलर राइवल जैसे एस सी एल टेक मास्टेक साइंट एस सी एल टेक को एस सी एल टेक को स्मॉलर तो बोलना नहीं चाहिए था पता नहीं क्यों बट जो भी है इनसे छोटा है एस सी एल टेक जो है थर्ड पे आती है मतलब टी सी एस इन्फोसिस के बाद एस सी एल टेक ही आता है तो यहाँ पे इसको छोटा क्यों बोला आई डोंट नो तो जो भी है ये कंपनीज का रिजल्ट अच्छा आया मैंने मास्टेक को भी कवर किया साइंट को भी कवर किया आप देख सकते हो आ, यहाँ पे ये यह देख सकते हो एस सी एल टैक है यहाँ पे उसके बाद साइंट यहाँ पे है एंड मास्टेक जो है यहाँ पे सो so, मैंने सबको कवर किया हुआ है सो डेफिनेटली आप अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो फ़ायदा होगा आपको बाकी आप देख सकते हो आफ्टर टी सी एस एल इन्फोसिस मिस्ड द स्ट्रीट एस्टिमेट्स ऑन ऑल फ्रॉन्ट्स जो भी है तो यहाँ पे शार्प फॉल देखने मिला लेकिन एस सी टेक जो है वो जो है प्रॉफिट फ्रंट में जो है टॉप एक्सपेक्टेशन मतलब यस एक्सपेक्टेशन को बीट इसने कर दिया है सो so इसी वजह से जो है यहाँ पे वीकनी वीकनिंग के वजह से एंड जो भी चीज़ों की वजह से जेपी मॉर्गन ने आप कह सकते हो यहाँ पे क्या कर दिया है डाउनग्रेड कर दिया है बाकी आगे बढ़ते हैं तो जियो की तरफ से एक और न्यूज़ है यहाँ पे देख सकते हो जियो रोल्स आउट एटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड साइट फॉर फाइव जी सर्विस तो ये जो होता है नंबर होता है साइट्स का 5G सर्विस के लिए तो जियो नेटी टू थाउजेंड फाइव को फाइव uh, जी सर्विसेज को रोल आउट किया है लेकिन एयरटेल के पास वो ट्वेंटी थाउजेंड से भी कम है एयरटेल का नंबर अगर आप देखोगे तो देख सकते हो नाइनटीन थाउजेंड वन फोर टू है लेकिन अगर रिलायंस जियो का देखोगे तो एटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन है तो यस यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है बाकी आगे अगर आप देखोगे तो एक बार देख लेना ये चीज़ क्या होता है जैसे अगर आप देखोगे टेलीकॉम सर्विसेज टू कंटिन्यू प्रोग्रेसिवली रोल आउट फाइव जी सर्विस एंड रिक्वायर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर uh, बेस्ट कुछ चीज़ें होती है जो, जो भी है तो जो भी है आप यहाँ पे जो है पढ़ करके देख लेना बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ एक न्यूज़ जो है कट हो गया गलती से आ, कोई बात नहीं आ, मैं जो है थोड़ा दिन में उसको भी ले आऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हो एक न्यूज़ है वो है कहाँ गया वो न्यूज सो so, ये भी न्यूज़ नहीं है ये दूसरी चीज़ है तो इसको भी कट करते हैं सो यस फोर्टिस ने acquire किया है मीडियो हॉस्पिटल को जो मानेसर बेस्ड है बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो अम्म पैक्ट विद वीपीएस ग्रुप टू एक्वायर द मानेसर बेस्ड मीडियो हॉस्पिटल फॉर इतना हेल्थ केयर मेजर सेड इट साइंड जो भी है एग्रीमेंट एंड द हॉस्पिटल एज अ पोटेंशियल कैपेटी फिफ्टी बेड

सो so, मैं आ चुका हूँ एंड यहाँ पे जो है मैंने दो न्यूज को ऐड कर लिया जो दो न्यूज जो है कट हुए थे तो यहाँ पे पहला न्यूज है जैनसॉल इंजीनियरिंग की तरफ से इसने जो है सिक्स थर्टी थ्री करोड़ का लोन जो है लिया है किससे पावर फाइनेंस कॉर्प से पीएफसी से, से बाकी ये क्या करती है तो यहाँ पे देख सकते हो पैसेंजर ईवी विल बी लीज टू इतना आ, जो भी है बी एम पी एल टू तो एक्सपैंड इट्स फ्लीट ऑफ राइड हेलिंग कैब्स और यहाँ पे जो भी है, आप देख सकते हो पढ़ सकते हो ये ई वी का काम करती है कुछ और यहाँ पे जो है आप इसको पॉज करके देख सकते हो ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ अगला न्यूज है विप्रो की तरफ से तो विप्रो कंज्यूमर आपको पता होगा विप्रो जो है कुछ मतलब कंज्यूमर के लिए भी सामान बनाती है ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक का ही काम करती है तो यहाँ पे देख सकते हो विप्रो कंज्यूमर टू बाई केरला बेस्ड स्पाइस एंड फूड ब्रांड्स ब्राह्मि तो यहाँ पे जो है विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग आ, सेट इट इज एक्वायरिंग ब्राह्मिस ए स्पाइस मिक्स एंड रेडी टू कुक ब्रांड बेस्ड ऑन केला एंड अन फॉर एन अनडिसक्लोज अमाउंट मतलब अमाउंट इस डिस्कलोज नहीं हुआ है uh, मतलब अनडिसक्लोज जिसको कहते हैं दिस एक्वेजिशन कम्स आफ्टर विप्रोज अनाउंसमेंट ऑफ इट्स एंट्री इन टू फूड बिजनेस इन इंडिया लास्ट ईयर एंड इट्स एम्बिशन टू बिकम ए सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द स्नैक फूड स्पाइसिस एंड रेडी टू कुक मार्केट मतलब रेडी टू कुक क्या होता है आपको पता होगा कि कुछ पाउडर्स uh, होते हैं उसको पानी में मिला करके या किसी में मिला करके जो है खाना बन जाता है ऐसा करके कुछ मतलब जो भी है या फिर ऑलरेडी बना हुआ होता है जैसे टाटा के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं मेरे को आ, सही से याद नहीं है लेकिन टाटा के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं इसी के फिर आईटीसी के कुछ आते हैं फिर मतलब आप देख लेना एक बार रेडी टू कुक खाना होता है उसमें जो है सिर्फ आ, आप आपको जो है ऐसे मान लो कुछ आ, दिया गया आप उसे गर्म करो और बन जाएगा फिर ऐसे करके खाना होता है तो आ, वो सेगमेंट का ये है जो कि एक स्पाइस मिक्स एंड रेडी टू कुक ब्रांड है ये वाला ब्राह ब्राह्मिंस वाला एंड इसको इसने एक्वायर किया है तो और ये कह भी रहा है कि हमें जो है एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बनना है एक बड़ा प्लेयर बनना है स्नैक uh, फूड में स्पाइसेस में रेडी टू कुक मार्केट में और लास्ट दिसंबर में एक एग्रीमेंट uh, हुआ था टू बाय निरापारा शायद uh, यही नाम है लार्जेस्ट सेलिंग ट्रेडिशनल फूड ब्रांड्स इन केरला तो जो भी है मतलब केरला में कुछ ट्रेडिशनल फ़ूड ब्रांड्स जो है uh, वो था uh, निरापारा उसको एक uh, ये डील से उसने बाई किया था तो ऑबियसली केरला के, के साइड में थोड़ा सा ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है साउथ इंडियन डिशेस में शायद थोड़ा सा तो बस यही था गाइज लास्ट न्यूज बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्योंकि गाइज काफी सारी चीजें और आने वाली है एंड हो सके तो एक और न्यूज का वीडियो अगर मैं देखूंगा कि हाँ आ, काफी सारे न्यूज आ चुके हैं तो मैं एक और न्यूज़ का वीडियो अपलोड कर दूंगा नहीं तो गाइज ऑब्वियसली आपको पता ही है काफी सारे आप देख सकते हो तीन तीन छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह अराउंड आप कह लो पंद्रह के आसपास जो है Uh, मतलब कंपनीज है जिसका जिस रिजल्ट आने वाला है एंड अगर मैं मान के चलूँ पंद्रह में से अगर मैं दस वीडियोज भी बनते हैं मान लो कुछ जो है एस एम जी एस एम लिस्ट में हुए एंड ये सब कुछ तो अगर दस भी वीडियोस बनते हैं तो दस वीडियोस दिन के गई uh, समझ ही सकते हो तो जो भी है मैं ट्राई करूंगा बाकी मिलते हैं आपसे गई इसके बाद वाले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वाचिंग